मामला यही था कि साहब गेट खुला हुआ था, एक गाड़ी गई हुई थी उसके बाद में गेट खुला हुआ था। गेट खुला होने के बाद में रोडवेज ड्राइवर जो था बिल्कुल सटा करके अपने यहाँ पर करवो पड़ता है रोड पर, तो सटा करके घुमा रहा था। तो उस टाइम पे क्या है कि आधी बस तो निकल गई थी, लेकिन ऊपर से अपना जो कवर होता है बस के ऊपर जो बैरियर लगा होता है उससे वो टकरा गई। टकराने के बाद में खंभा गिर करके बस के ऊपर टच होते हुए वायर से कॉन्टैक्ट वायर को छू गया। और ये जो ट्रेन इसमें दिखाई दे रही है वो ट्रेन तो गेट टूटने के काफ़ी टाइम बाद में आई है, और उसके बाद में गाड़ी आउटसाइड भी खड़ी रही है क्योंकि इंटरलॉक गेट है, सिग्नल नहीं आया गाड़ी का। तो सर जैसे वीडियो एक सामने आया उसमें दिखाई दे रहा है कि लोग जो है लाल झंडी लेके लाइन के ऊपर खड़े रुकवाने के, एक तरह से लग रहा है कि ट्रेन जैसे आ रही है उसको रुकवाने के प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास तो क्या है, जब कोई गेट पर कोई एक्सीडेंट होता है जैसे आज ये एक्सीडेंट समझो इसको, तो उस टाइम पर हमेशा गेटमैन प्रोटेक्शन करता है। पहले जिम्मेदारी होती है गेटमैन की बैनर फ्लैग लगाने की, तो इसमें फ्लैग दिखाई दे रहा है। और बाकी जो ट्रेन आ रही है ये गेट टूटने के काफ़ी टाइम बाद में आई है, जिसका पीछे आदमपुर से आउट मिला हुआ था, उसके बाद में फिर गाड़ी आउटसाइड ही खड़ी रही। तो सर कितने बजे का ये मामला है, कौन सी ट्रेन आ रही थी? ये अपने यहाँ से गई थी किसान एक्सप्रेस, उसके जाने के बाद में ये ट्रेन वापस आने, हमारे पास में पैसेंजर गाड़ी आनी थी, लेकिन जैसे ही ये लाइन हुआ था गाड़ी का उस टाइम पर ये गेट टूट गया था।